का ये चौथा दर्शन है और इस जगह का नाम है शशिभूषण महादेव का शिवलिंग। ये करीब 500 साल से ज्यादा पुराना मंदिर है और इस मंदिर के अंदर एक दक्षिण मुख वाले गणपति जी हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं, उसको बिड़भंजन कहते हैं। आप मंदिर के अंदर जाओगे आपको लेफ्ट साइड से दर्शन होगा दक्षिण मुख वाले गणपति जी का। अगर पता न चले तो पुजारी जी से पूछ लेना दक्षिण मुख वाले गणपति जी का कैसे दर्शन होगा करके। ये मंदिर में फोटो खींचना मना है, आप फोटो नहीं निकाल सकोगे। ये दर्शन करने के बाद सभी यात्रियों को इस गेट से बाहर निकलना है, ऐसे दीवार को घूमते हुए ठीक बिल्कुल ये मंदिर के पीछे जाना है। जब आप लोग पीछे जाओगे समुद्र आएगा, समुद्र के किनारे तीन शिवलिंग है, उसको बाण गंगा कहते हैं, इसलिए कि कृष्ण भगवान को मारने के लिए तीर यहाँ से छोड़ा गया था। जबकि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है, हम लोग बाद में जाएंगे। कृष्ण भगवान वहीं पर बैठे थे, उनको पाँव में तीर लगा है जो तीर यहाँ से छोड़ा गया था। आप लोग मंदिर के पीछे जाओगे, पानी के अंदर जाना मना है स्ट्रिक्टली, बाहर से ही शिवलिंग का दर्शन हो जाएगा और 20 मिनट में वापस आना है। 9:27 हुआ है।